Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will do another example of ITR filing. देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिफोर फाइलिंग आई टी आर फाइलिंग यू ऑल जस्ट नीड टू गो थ्रू क्वेश्चन वंस वेरी थोरोली बिकॉज अगर आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके माइंड में एक ब्लू प्रिंट बन जाएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो. ठीक है, तो पहले एक बार हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एसएससी है, घनश्याम त्यागी, फादर्स ने मनोज त्यागी, पेन नंबर गिवन है, डेट ऑफ बर्थ 12th of December 1975, दैट मीन्स एट प्रेजेंट उसकी एज क्या होगी, दैट इज 45, नॉट 44. देन एड्रेस गिवन आपको, मोबाइल नंबर, ईमेल, रेजिडेंशियल स्टेटस आर ओ आर है, ही वॉज इन इंडिया फॉर 360 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. ओरिजिनल रिटर्न है, दैट इज ब्लेडेड नहीं है. नेम ऑफ द एम्प्लॉयर गोदरेज मार्केटिंग लिमिटेड, सेम महाराष्ट्र में. पेन ऑफ द एम्प्लॉयर डायरेक्टर, दैट मीन्स एसएससी यहाँ पर कौन है डायरेक्टर, कहाँ पर, घनश्याम मॉल्स लिमिटेड. कौन सी कंपनी इसकी, ये डोमेस्टिक कंपनी है. लिस्टेड शेयर्स है उसके. पैन नंबर गिवन है एन डी आई एन, दैट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी गिवन आपको. शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनी नो. नंबर ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड बाय एसएससी 1. डेट ऑफ फाइलिंग 28th of June 2020. बैंक डिटेल्स गिवन है, पीएनबी अकाउंट है एंड प्लेस ऑफ रिटर्न दैट इज पुणे. ओके, नाउ कम टू द इनकम डिटेल्स. बेसिक सैलरी 1,94,10,000. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 18,000. यू नो वेरी वेल दिस अमाउंट इज होली टैक्सेबल. परक्विजिट गिवन है इस बार आपको, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर एफ ए. एम्प्लॉयर्स एक्सपेंडिचर ऑन रेंट. ठीक है, देखिए यानी कि इसका जो एम्प्लॉयर है वो रेंट पे कर रहा है कितना, 48 लाख. दैट मीन्स दिस अकोमोडेशन इज नॉट ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर. ठीक है, तो एज पर दी प्रोविजन देखिए क्या रूल होता है आपका, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी. सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका आरएफए में, बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. ठीक है, सो यहां पर देखिए बेसिक सैलरी प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसका हम 15% लेंगे तो अमाउंट आपको यही आएगा, दैट इज 29,14,200. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ टैक्सेबल अमाउंट. आपको क्वेश्चन में स्टेटस भी गिवन होगा, एग्जेम्प्ट होगा तो भी एग्जेम्प्ट गिवन होगा, टैक्सेबल होगा तो भी टैक्सेबल गिवन होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1014 1800. देन लीव सैलरी, अगेन दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, दैट इज 32,000. नाउ कम टू द इनकम डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट. रेंट ऑफ ग्राउंड फ्लोर, दैट इज टेनेंट इज, टेनेंट कौन है पर, डॉक्टर श्याम बिहारी एंड एसएससी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 4 लाख रेंट फ्रॉम दिस टेनेंट एंड अनदर रेंट ही इज रिसीविंग फ्रॉम जुगल फर्नीचर ऑफ फर्स्ट फ्लोर आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस. दैट मीन्स यहाँ पर टीडीएस कौन काट रहा है, टेनेंट काट रहा है. ठीक है, तो देखिए वैसे तो दैट मीन्स आफ्टर टीडीएस है तो कितना अमाउंट मिला नेट अमाउंट, दैट इज 5,40,000. That means this is 90% value, तो 100% value कितनी होगी, 6 लाख. Now municipal tax paid by the SSC, that is 44,000. Interest on borrowed capital on renewal of half house property, this is renewal. Renewal means in this sense repair के लिए कितना पे किया है, 6,60,000. Now you know very well कि repair के केस में interest on loan पे कितनी interest मिलती है, max to max 30,000. Then income from other sources, saving bank interest, that is 34,000. And silver chain received from a non-resident friend on birthday of the assessee. Market value of on date of gift is given, that is 74,000. Income from other sources में क्या लिखा हुआ है कि gift अगर किसी non किसी भी friend से मिलता है, चाहे वो कितना भी मिलाओ, वो पूरा का पूरा taxable हो जाएगा. कब, अगर वो amount जो 50,000 से exceed हो जाए. ठीक है, देन
इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको अब क्या गिवन है, आपको चैप्टर 6A की डायरेक्शंस गिवन है आपको। एसएससी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पीपीएफ अमाउंटिंग रुपीज 1,12,000, एनपीएस विच कवर्ड अंडर सेक्शन 80CCD 1B। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताता था कि एग्जाम में आपको गिवन नहीं होगा कि कौन सा सेक्शन कौन से डिडक्शन में आपको है, दैट मीन्स यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। सो एनपीएस कौन सा सेक्शन में कवर होता है आपका, 80CCD 1 1 में आके होते हैं, 80CCD 1B, 80CCD 1A। ठीक है, सो देखिए आपको अच्छे से पता है कि 80CCD 1 में आपको अगर एनपीएस की डिडक्शन मिलती है एक्स्ट्रा, सो एसएससी कैन अवेल एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन ओवर दी 80C। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 80C में डिडक्शन कितनी है, 1,12,000 प्लस 73,000 कितनी होगी, 1,85,000। तो यहाँ पर क्या करेगा एसएससी कि 1,12 तो यहाँ पर पीपीएफ के ले ही लेगा। ठीक है, बाकी वो क्या करेगा, 80CCD में रिमेनिंग में ले जाएगा आपकी रिमेनिंग। ठीक है, बाकी एनपीएस में। ठीक है, इसको मैं अभी कराऊंगा, जब आपको उसको फाइल करेंगे मैं बताऊंगा उसको एंट्री कैसे करनी है। देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एसएससी स्पाउस एंड माइनर डॉटर डॉटर 14,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ इंडिपेंडेंट सन, नाउ दिस टाइप ऑफ एक्सपेंस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आपको ये पता है कि मेडिकल इंश्योरेंस में प्रीमियम कहाँ पर होता है आपका, डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80D। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फादर एंड मदर बोथ सीनियर सिटीजन अमाउंटिंग रुपीज 20,000 पूरी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी होती है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, 50,000। देन टीडीएस बाय एम्प्लॉयर एज वेल एज बाय टेनेंट, एडवांस टैक्स पेड बाय एसएससी अमाउंटिंग रुपीज 26,000 इज गिवन, एंड देर आर सम एसएससी एसेट्स डिटेल्स, हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, मोटर कार गिवन है, कैश इन हैंड एंड लोन टेकन टू परचेज कार। सो दिस इज द होल क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आईटीआर फाइलिंग। नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ आईटीआर फाइलिंग। मैंने ऑलरेडी आपके यहां पर देखिए सेटअप कर दिया कि कौन कौन सी सीट मुझे चाहिए, कौन कौन सी नीड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है इनकम टैक्स या फिर जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी इनकम जहाँ जहाँ पर लाई करती है आप बस उसको यस करो, बाकी नो कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो इट्स बेटर टाइम सेव करेंगे ना, हम पहले ही बताते हैं कि वो शीट हमें देखनी ही नहीं है। तो जो जो शीट का आप नो नहीं है नहीं है, जैसे देखिए कैपिटल गेन नो, इक्विटी शेयर्स फर्म सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स नो, फॉर नॉन रेजिडेंट सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स नो, डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ कैरी फॉरवर्ड टू ईयर्स नो, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नो, डिटेल्स ऑफ डोनेशंस 80G में नहीं है कोई भी, 80GGA में भी कोई नहीं है, कंपटीशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर 115JD नो, देन डिटेल्स ऑफ इनकम स्पेड पर्सन एट स्पेशल रेट्स नहीं है कोई भी, एग्जेम्प्ट इनकम दैट इज एग्रीकल्चर नहीं है, कोई बिजनेस ट्रस्ट वगैरह कोई भी नहीं है, डिटेल्स ऑफ इनकम और अक्रूइंग और अराइजिंग आउट इंडिया नो, डिटेल्स ऑफ टीआर डिटेल्स नो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड नो। ठीक है, सो नाउ वी जस्ट नीड टू अप्लाई हियर एंड गो टू नेक्स्ट पेज। नाउ दिस इज दी असेसेस बेसिक इंफॉर्मेशन, आई हैव ऑलरेडी फिल दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, पैन नंबर, फ्लैट, स्टेट, एरिया, टाउन, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, देन आई हैव ऑलरेडी मेड दिस नो, दैट इज आर यू फिलिंग इनकम अंडर द सेवन प्रोविजन नो, एंड देन आई हैव सेलेक्टेड दिस दैट दिस एसएससी इज एसएससी, एंड आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड द टाइप ऑफ रेजिडेंस स्टेटस। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मोर देन 3 से 6 डेज रहा, तो मैंने पहले वाले ही सिलेक्ट कर दिया। देन वेदर द रिटर्न फाइलिंग इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव नो। अब यहाँ पर देखिए माइनर चेंज आया है,
वेदर यू आर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी या फिर एसएससी, पूछ रहे कि एसएससी आप डायरेक्टर है, जी हाँ है, उसको यस करा। फिर आपको डिटेल लिखनी है, नेम ऑफ द कंपनी क्या उसकी, घनश्याम मॉल्स लिमिटेड, ने टाइप ऑफ द कंपनी दैट इज डोमेस्टिक, पैन ऑफ दैट कंपनी, वेदर दिस इज लिस्टेड और अनलिस्टेड, लिस्टेड एंड देन डी आई एन दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी पुट कर दिया। देन वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड शेयर्स, नो, रेस्ट इज सेम, नाउ वैलिडेट दिस शीट एंड देन मूव टू नेक्स्ट। नाउ दिस इज अ लिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड दिस बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर अदर, एड्रेस स्टेट सिटी पिन कोड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टिंग फिलिंग दी डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट क्या मैंने देखिए आपको बेसिक सैलरी दैट इज 1,94,10,000, सो सिलेक्ट बेसिक सैलरी अमाउंटिंग रुपीज 1,94,10,000। वन मोर थिंग स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ना तो कोई डॉट ना को ना कोई कोमा वो पुट नहीं करना, अदरवाइज वो डेटा आपका लेगा ही नहीं, ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ डेटा यू आर पुटिंग जस्ट पुट विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉट एंड कोमा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस 18,000। नाउ अब आपको अच्छे से पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑन लिस्ट में नहीं है, सो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट अदर अलाउंस एंड देन जस्ट पुट अमाउंट हियर दैट इज 18,000। नाउ नेक्स्ट वन इज परक्विजिट, चलो परक्विजिट की हम अलग से रो में जाएंगे, पहले देते हैं आपको अलाउंसेस। तो क्या क्या कि मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,800, एड नेचर 17,1 में, सिलेक्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दैट इज 1,800। नेक्स्ट इज लीव इंकेशमेंट और लीव सैलरी, अमाउंटिंग रुपीज 32,000। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 72। क्या गिवन आपको, अकोमोडेशन, जस्ट पुट अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट हियर दैट इज 29,14,200। दैट्स इट, ओनली वन टाइप ऑफ परक्विजिट इज गिवन। नाउ नेक्स्ट कम टू एग्जेम्पशन अलाउंसेस, दैट हेयर इज ओनली वन दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यस, सो जस्ट सेलेक्ट 14,1 एंड राइट द अमाउंट ऑफ टेक एग्जेम्पशन अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन लोन दैट इज 1,800। नाउ आफ्टर गेटिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000, द ग्रोस सैलरी विल बी 2,23,24,200। ओके, दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। नाउ वैलिडेट दिस शीट, शीट इज ओके, देन गो टू नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज इन डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड आई हैव ऑलरेडी पुट दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस टाउन स्टेट कंट्री पिन कोड, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, नो, टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट इज गिवन टू यू। देखिए आप टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी के हाउस क्या आपकी लेट आउट है, तो देखिए डिटेल्स हमें फिलअप करनी है ऑफ द टेनेंट, डॉक्टर श्याम बिहारी, पैन ऑफ द टेनेंट इज गिवन टू यू, यहां पर गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। देन पुट अनदर नेम ऑफ द टेनेंट दैट इज जुगल फर्नीचर, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू। नाउ एंटर द अमाउंट ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड रेंट दैट इज
4 lakh प्लस 6 lakh, नॉट 5 lakh 40 thousand, बिकॉज दिस इज अ नेट अमाउंट. वी नीड टू राइट ग्रोस अमाउंट हेयर. सो जस्ट पुट हेयर अमाउंट 10 lakh एंड देन म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एस एस सी, दैट इज 44,000. टैक्स पे टू लोकल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज 44,000. एंड देन लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 30,000, नॉट 6,60,000. ओके, ओ वेट वेट, बट दिस इज अ केस ऑफ, ये कौन सा केस आपका लेट आउट है, एंड देर इज नो लिमिट, देर इज नो लिमिट ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आपकी किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है. सो अमाउंटिंग हेयर इज 6,60,000. नाउ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 9,200. ओके, नाउ वैलिडेट दिस शीट, दिस शीट इज ओके. नाउ मूव नेक्स्ट पेज, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ लेट्स रीड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिटेल्स, सेविंग बैंक इंटरेस्ट एंड द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड अमाउंटिंग रुपीज 74,000. सो सेविंग बैंक इंटरेस्ट दैट इज 34,000. We will put this amount here, 34,000, and then gift received from a friend. Which gift? Immovable. So we just need to find out aggregate income of no money not received. In case of immovable property received without consideration, stamp duty value of the property. Yes, we will amount here. कितना amount put करेंगे यहाँ पर? 74,000 given है. कितने exempt होता है? Up to 50,000. तो exceed कितना कर रहा है? 24,000. ओके, सो द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विल बी 58,000. नाउ वैलिडेट द शीट एंड देन मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट, नाउ दिस इज द डिटेल्स ऑफ एटीडी. एटीडी पढ़ लेते हैं एक बार. एसएससी तो देखिए सीनियर सिटीजन नहीं है, उसकी एज कितनी है अभी? 44. बट यहाँ पर गिवन है कि उसके पेरेंट्स जो है दोनों के दोनों सीनियर सिटीजन है. सो जस्ट पुट मेक इट नो एंड देन पुट अमाउंट हियर, दैट इज कितनी मिलेगी? ओनली फॉर द एसएससी स्पाउस एंड माइनर डॉटर, नॉट इंडिपेंडेंट सन. तो इसकी कितनी है? 40,000. तो 40,000 यहाँ पर अमाउंट लिखिए. एंड देन फॉर पेरेंट्स, यस बोथ आर सीनियर सिटीजन एंड द अमाउंट हेयर इज 28,000. Okay, so the total eligible amount under section 80D will be 42,000. Validate the sheet. Sheet is okay. And then move to next. Next, make it no. इसमें तो आपको कुछ करना नहीं, आपको हमेशा always no करना है. ठीक है? Yes. Now come to the part of 80C, 80CCC, 80TCCD 1. ATCCD 1B. देखिए PPF में कितना है? 1,12,000. यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए 1,12,000. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है. NPS, आपको पता है NPS कौन सा सेक्शन में कवर होता है? आपका ATCCD 1. ठीक है, ATCCD 1 में ही दो सेक्शन होता है आपके, ATCCD 1B एंड ATCCD 1A. ठीक है, जो 1A होता है उसमें आपको कितनी रिडक्शन होती है? सॉरी, 1B में मैक्स टू मैक्स 50,000. ठीक है, बट पहले हम 1 में लेंगे. ठीक है, देखिए 1 में कितनी बची है आपकी यहाँ पर, कितनी ले सकते हो मैक्स टू मैक्स? आप मैक्स टू मैक्स कितनी ले सकते हो? 2 लाख. ठीक है, जैसे आपको पता है कि 80C, 80CCC, 80CCD 1, 80CCD 1B, 80CCD 2. ठीक है, तो इसमें तो आपको जितनी भी सबकी मिला के डिडक्शन कितनी मिलेगी? मैक्स टू मैक्स 2 लाख. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आपको अब देखना पड़ेगा ये आपको क्या गिवन है.
देखिए एनपीएस कितना गिवन है, 73,000, ठीक है। ये उसका खुद का एक्सपेंडिचर है, यानी कि उसने एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में उसने इतना खर्चा किया है। देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ध्यान से देखिए। देखिए 80C में तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 1,12,000, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब आपको देखिए अच्छे से पता है कि सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 एंड 80CCD1B, इन सबको मिलाकर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होती है, 2 लाख, ठीक है। एंड 80CCD2 में अलग से जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो तो जितना कंट्रीब्यूशन है या फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, दैट इज ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट, उतना ही लेंगे, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। सो अगर आप ये अमाउंट पहले अगर फिल कर देंगे, दैट इज 80CCD2, तो देखिए कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सेम होगा, दैट इज 73,000, या तो फिर 73,000 हो, या फिर कितना लोगे, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। देखिए बेसिक सैलरी कितनी थी, 1 करोड़ अबव थी, ठीक है। तो लोएस्ट तो वैसे भी यही बैठेगा, कितना, 73,000, तो वो तो अमाउंट आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। कम टू दी 80CCD1, पहले आप ये अमाउंट फिल करेंगे, 80CCD1 कितना होता है आपका, देखिए आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया थियोरी में, कितना होता है ये, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस और क्या होता है आपका, मैक एक्सेस अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 80C, ठीक है। तो 80s में देखिए हम डिडक्शन कितने ले चुके हैं, 1,12,000, सो 150 लेस 1,12,000, अमाउंटिंग देखिए कितना बचा अभी आपका, 38,000 या फिर 73,000, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स कितनी डिडक्शन लेते हो, ले सकते हो 80CCD1 में, दैट इज 38,000, ठीक है। अब 80CCD1 में रिवेन्यू हो जाएगी, दैट मीन 73 माइनस 38 अमाउंटिंग रुपीज 35,000, ठीक है। ये आएगी आपकी डिडक्शन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बहुत अच्छे समझना है आपको ये, ठीक है। 80C में कितना आएगी, 1,12,000, फिर आपको फिल करना, अगर एमपीएस गिवन है तो पहले आप 80CCD2 वो फिल कर दीजिए, इजी है क्योंकि वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर अमाउंट कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन, दैट इज 73,000, ये पूरा आ गया। देन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, 80CCD1 एंड 80CCD1B। पहले हम लेते हैं 80CCD1 में लोअर ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या लोअर होता है आपका, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जितना है, दैट इज 73,000, ठीक है। 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, या फिर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन टेकन अंडर सेक्शन 80C, नॉट टेकन, सॉरी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन नॉट टेकन बाय एसएससी, कितना ले चुका है वो, 1,12,000, मैक्सिमम कितनी होती है, 150, तो कितनी रिमेनिंग रहेगी, 30,000, तो लोएस्ट अमाउंट कितना है, 38,000 ही आएगा आपका, ठीक है। इसको आप अगर अच्छे से लिख के करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लाइव लेक्चर में पढ़ा था, आप उसको वैसा ही कीजिए, ठीक है। सो ये था आपका 80CCD एनपीएस वाला पॉइंट हो गया। 80D की देखिए डिडक्शन 42,000 थी, हमने डिक्लेयर कर दी। एंड द नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं, सेक्शन 80TTA, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना था, बैंक इंटरेस्ट कितना मिला था, 34,000, कितनी डिडक्शन लगा, तो इसमें 10,000, तो पहले 30,000 लिखेंगे, 10,000 मिलेगी, ठीक है। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी 3,10,000। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस डिडक्शन शीट, नाउ वैलिडेट दिस शीट इज ओके। देन नाउ द नेक्स्ट शीट इज डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो देखिए डिटेल्स ऑफ एसेट्स क्या क्या थी, क्या क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मोटर कार मूवेबल, कैश इन हैंड एंड लोन। सो यहाँ पर लिखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी एड्रेस गिवन आपको, हाँ जी गिवन है, 383/14 मुल्तान नगर फरीदाबाद,
स्टेट हरियाणा। पिन कोड इट इज नॉट गिवन टू यू, सो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। कोस्ट लिखनी है आपको यहाँ पर 6,10,000, डेट्स इट। अब नीचे आइए, ज्वेलरी नहीं है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस शीट में आपको अगर कोई भी रो जो है आपको ब्लैंक नहीं रखनी, अगर नहीं है जस्ट पुट जीरो। आर्कियोलॉजी कलेक्शंस नेल। व्हीकल्स यस, मोटर कार है। कौन सी कार है? BMW 5D। पता नहीं भाई कौन सी 5D है, बस हमने नाम सुना है BMW। मॉडल नंबर तो हमें आज तक नहीं पता कौन सी होती है। चलिए इसकी कॉस्ट कितनी है? 55 लाख। बैंक डिपॉजिट क्या गिवन आपको और कैश इन हैंड जस्ट पुट 0,000,000। कैश इन हैंड अमाउंटिंग रुपीज 20,800। लास्ट कॉलम इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इज ऑल्सो गिवन टू यू। लोन टेकन टू परचेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 4,10,800, ये भी लिखना है। नाउ वैलिडेट दिस शीट। ओके मूव नेक्स्ट। इसमें आपको देखिए कौन सी है, ये पार्ट TI। इसमें सबसे नीचे आइए, पहले आप बैंक डिटेल्स फिलअप करिए। ठीक है, बैंक कौन सा है यहाँ पर आपका? PNB, PUNB 002311010, पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 756325। रिफंड के लिए यहाँ पर आपको उसको टिक करना है एंड लास्ट रो में आके इसको नो करना है। वैलिडेट। अभी आपको कैलकुलेट टैक्स नहीं करना बिकॉज अभी तक आपने एडवांस टैक्स नहीं फिल किया। ठीक है, सो एडवांस टैक्स की डिटेल आ गई आपकी। आपके पास क्या गिवन है? देखिए BSR कोड 000,4816, डेट 03/03/2020, सीरियल नंबर 00146, अमाउंटिंग रुपीज 26,000, दैट्स इट। वैलिडेट। नेक्स्ट। नाउ दिस इज दी TDS डिटेल। फर्स्ट वन इज TDS बाय एम्प्लॉयर। 10 भी गिवन है, अमाउंटिंग रुपीज 74,60,000 एंड TDS बाय टेनेंट अमाउंटिंग रुपीज 60,000। 10 ऑफ द एम्प्लॉयर, RTKA 88760A, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम क्या था? गोदरेज, यस गोदरेज मार्केटिंग लिमिटेड। इनकम चार्जेबल सैलरी में देखिए कितना था। सैलरी में जाइए, बॉटम में देखिए यहाँ पर अमाउंट क्या लिखा हुआ है, 2,23,24,200। वापस आइए पार्ट में, सॉरी TDS में, अमाउंट फिल कीजिए यहाँ पर, ये 22,32,42,00। कितना टैक्स डिडक्ट हुआ था? 74,60,000। ठीक है, एंड सेकंड TDS कितना, किसने काटा था? टेनेंट ने। सो सेल्फ 60,000, अच्छा सॉरी पेन पे टेन, यहाँ पेन पूछ रहा है, पर टेन
आर टी के ए 495 12 A 2018, टी डी एस 60,000, क्लेम्ड इन्होंने 60,000, ग्रॉस अमाउंट 6 लाख, हेड कौन सा था यहाँ पर, इनकम फ्रॉम हाउस वर्क डील आउट से कटा था, दैट्स इट। नाउ वैलिडेट शीट, शीट इज ओके एंड देन मूव टू नेक्स्ट। फादर का नाम क्या था, मनोज तिवारी, सेल्फ, दैट्स इट। नाउ वैलिडेट शीट एंड देन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स यू नीड टू जस्ट जंप टू पार्ट बी शीट एंड देन क्लिक ऑन वैलिडेट अगेन एंड देन कैलकुलेट टैक्स। मैंने वैलिडेट क्यों क्यों दोबारा किया, बिकॉज उसने जो हमने हमने टीडीएस का अमाउंट फिल किया है वो उसने अब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था इस शीट में, सो इसलिए मेरे को वैलिडेट दोबारा से हिट करना किया। नाउ कैलकुलेट टैक्स, एंश्योर करने के लिए डायलॉग बॉक्स आएगा, जस्ट प्रेस ओके। आप देखिए यहाँ पर आपको बस यहाँ चेक करना है कि उसने यहाँ पर सारे एडवांस टीडीएस सब ले लिया है, हाँ जी ले लिया है। नाउ द फाइनल अमाउंट आंसर इज, दैट मींस अभी कितना अमाउंट पे करना है, 9,22,080, ठीक है। दिस इज द टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आपको अच्छे से पता है इसके बाद क्या करना होता है, आपको कैलकुलेट टैक्स करने के बाद जनरेट एग्जामल, एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ा तो बच्चे करते छोड़ देते हैं। देखिए जो एग्जाम हो रहा होगा वो आपको इस शीट से कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा कि आपने ठीक किया नहीं किया। जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक वो एग्जामिनर आपकी शीट चेक नहीं होगी, ठीक है। सो वी हैव डन अनदर एग्जाम्पल ऑफ टीडीएस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड वी विल डू सम मोर इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तब तक आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, थैंक यू।